गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बजे हैं 5, मैं उठ गया हूँ। अभी घर में सब कुछ सो रहा है, टफी भी हमारा सो ही रहा है, टफी भी सो ही रहा है। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर वर्कआउट करने के लिए, जाता हूँ मैं वर्कआउट करूँगा। चलते, 5 बज गया है, चलते फिलहाल वर्कआउट के लिए। गाइस, आया हूँ वर्कआउट करने के लिए, लेकिन अब सुबह सुबह जो है ठंड होने लगी है, काफ़ी ठंड लग रही है। चलो वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने में नहीं लगेगी। चलते हैं टफी घुमाने के लिए। थोड़ा बहुत वर्कआउट तो हो गया है, चलिए तो जाना घूमने कह रहे हैं, घूमने जाना। घूमने आया हुआ घूमा है। देखिए यहाँ पर रोड लाइटें लगाई गई हैं, कैसे जैसे इंडियन फ्लैग की तरह रोड लाइटों में लाइट लगाई गई है, क्योंकि अच्छी लग रही है। फ़ोन में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फ़ोन में दिख रहा है ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंक नहीं कर रही है, क्योंकि एकदम नॉर्मल जल रही है। फ़ोन में ऐसे दिख रहा है जैसे ब्लिंक कर रही हो फ़ोन में, काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे तक जितनी भी रोड लाइट लगी हैं आगे तक सब जगह लगी है, इंडियन फ्लैग जैसी। ये अभी लगी है कुछ दिन, एक ही दो दिन हुए लग रहा है। कल शायद टफी घूम के आ चुका है, टाइम 6 बजने वाला है। अब जो है मैं अभी चल रहा हूँ, जो है दूध लेके आता हूँ, दुकान खोलेंगे। तो आज सोच रहा हूँ पहले नहा लूँ, उसके बाद दुकान जाऊँगा। क्या थोड़ा टाइम जल्दी उठ गया था, तो आज टाइम है मेरे पास नहाने का भी। ये जो एक आधे का बैठी रंगोली देखता रहता, जैसे कोई डॉगी आया तुरंत भागना शुरू कर देता। फिलहाल चलता हूँ जल्दी से, मैं नहा लेना, ब्रश कर ले, नहा ले, फिर दुकान जाएंगे आज नहा धो के। तो दोपहर की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मम्मी की तबीयत सही है नहीं है, तो मैं दुकान बहुत लेट हो जाता हूँ, दुकान के काफ़ी देर के लिए फिर बंद हो जाती है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी से जाते हैं नहाते हैं। तो गाइस, मैं नहा चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ दुकान, जल्दी से दुकान पहुँचता हूँ, लीड ले लूँ। अभी देखो ये बाबू अभी सो रहा, अभी सो रहा है ये। फिलहाल मैं चल रहा हूँ जल्दी से दुकान। तो गाइस, मैं आ गया था दुकान, अब मैं दुकान में पूजा वूजा करूँगा। साफ सफाई मैंने कर दी है, साफ सफाई सिस्टम से लगा दिया है, सब सफाई पूरी हो गई है, पूरा माल मंग ले आता है, पूरा खाली हो गया था ये पूरा। तो मैंने धीरे धीरे करके सब ले आके भर दिया है। यहाँ पे भी सामान सेटिंग से हो गया सब, यहीं भी साफ सफाई हो गई है। अब जो है चलना जल्दी से पूजा कर दें, मंदिर पूजा कर देते हैं। ये लेके आई मेरे लिए नाश्ता, ये देखिए चावल फ्राई बाबू लेके आई है। और आज कुछ स्पेशल है, शाम को देखिए आज क्या करते हैं। तो गाइस, मैं आया था घर खाना खाने के लिए। खाने में आज दीदी ने बनाया है आलू पत्ता गोभी की सब्जी और पराठे। पराठे तो मैंने ज़्यादा नहीं खाए हैं, इस समय खाना कम खा रहा हूँ। कितने नहीं ज़्यादा खाए? मैंने कहाँ, 4 खाए हैं दीदी के। क्या दीदी के? 4 पराठे। कम से कम 7 पराठे खाए हैं। नहीं यार, 7 दोनों ने मिलकर खाए, कैसी बात है। मेरे साथ में मैंने पहले ही 6 पराठे रखे, उसके बाद भी लिए थे कि तुमने साथ में मेरे साथ में खाता खाती थी ना। 6 पराठे पहले लिए थे। तो अच्छे पराठे खा के, हाँ तो 4 6 तक कितने, 6 4 10 ही तो हुए। हाँ तो 10 में दोनों जनों ने खाए ना। हाँ 7 पराठे मैंने, तो 3 पराठे तुम खाओगी, तुम 3 पराठे, वाह गजब, वाह मालूम है। 6 नहीं खाए क्योंकि 4 खाए, 4 खाए, 4 नहीं यार, 4 खाए यार, अच्छी बात कर रही। इतना थोड़ा मैंने पेट दे, मैं इस समय कम खा रहा हूँ, कल कहाँ जल्दी, मैं तो इस समय पता है आधा घंटा वर्कआउट करता हूँ डेली, आधा घंटा कर सकता है ना, कल नहीं कर पाएगा। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी घर, मम्मी आई हुई दुकान में, मम्मी की तबीयत सही नहीं, तो पूजा करने मैं जा रहा हूँ।
अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हुई दुकान में, मैं जल्दी से पूजा करके आ जाता हूँ। मम्मी घर जाएंगी, आराम करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं घर जी पूजा करने। पूजा करें और कोई काम तो है नहीं मम्मी? हाँ ठीक। क्या है कि क्या पूजा है कि अभी नहीं? चलो मैं आ रहा हूँ, तो चलते हैं फिलहाल घर। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर में पूजा करने के लिए, जल्दी से पूजा कर देते हैं। पूजा करके जो है फिर पहुँचूँगा अभी दुकान जल्दी से, मम्मी को भेजना है घर। आज दोपहर काफ़ी दिन बिजी रहा, पूरा दिन जो है कहीं गया ही नहीं, दुकान बैठा रहा पूरे दिन। तो आज ब्लॉग में कुछ ज़्यादा वो कैप्चर ही नहीं कर पाया, आज कुछ ज़्यादा दिन में था ही नहीं। वैसे तो रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, मार्केट जाता हूँ वगैरह, आज तो मार्केट भी नहीं गया। आज मार्केट जाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आज अभी आ गया हूँ इसीलिए अभी आ रहा हूँ घर सुबह से। अब जा रहा हूँ पूजा करके, फिर दुकान पहुँच जाऊँगा आज। तो गाइस पूजा हो गई है, पूजा मैंने कर दी है, ऊपर छत में भी हो गई है। मैं जा रहा हूँ दुकान, एक टफ़ी जो है यहाँ टहल रहा है, टफ़ी जो है ये बैठा। बिल्लू क्या पेटा खा रहा है? पेटा खा रहा खा। फिलहाल मैं चलता हूँ दुकान। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, दुकान मैंने बढ़ा दी है, अब आ गया हूँ। आज अभी थोड़ी देर में एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, पहले खाना खाएंगे फिर पार्टी करेंगे। हैं टफी? तो गाइस आज हमारे टफी का बर्थडे है, तो टफी आज 1 साल का हो गया है, तो उसका ये केक आ गया है। और टफी का हमारे आज बर्थडे है, और इनको भाई साहब को बहुत नींद नहीं आ रही है, इस सोने में लगा। उठो भाई, इसका नींद बहुत तेज आ रही है, कह रहा हूँ उठ जा बेटा केक काट ले। नहीं तो सो रहा है, उठो जल्दी खड़े हो, खड़े हो जल्दी से, चलो जल्दी खड़े हो, आओ आओ केक काटेंगे ना। केक काटेंगे बाबू, आ जा बेटू केक कटेगा। इसको बहुत तेज नींद आ रही है। बाबू कहाँ? बाबू बोला देखिए टफी का केक जो है बाबू काट रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है इसको भी, बाबू को भी। देख अब नींद खुली, देखो टफी अब नींद खुली, देखो केक देख लिया, अब खुश हो रहा केक। हाँ लो काटो बाबू, काटो केक, कह दे हैप्पी बर्थडे टू यू टफी, हैप्पी बर्थडे टफी। खाना है कि नहीं खाना है? टफी खिला दे, देखो टफी केक देख रहा अपना, अपना टफी केक देख रहा। हाँ ये आया, ये देखो ये रहा, ये टफी का हैप्पी हो गया भाई, टफी ने केक खा लिया अपना। चलो हाथ धो गया, सबको केक खिलाओ, यहाँ मत खिलाओ छुपा रहा है। आज मेरे बिल्लू का हैप्पी है, मेरा बिल्लू 1 साल का हो गया है। तो तीन देंगे, साल उनको भी देंगे। ए माता का ज्यादा नहीं देंगे, कुछ ज्यादा मीठा नहीं देंगे, वरना इसके बाल झड़ने लगेंगे ना मीठा खाने से, मीठा खाने से इतना बहुत है, बाल झड़ने लगते हैं। ये देखो लड़की ने केक खा लिया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? ये देख 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 बैठ गए, देख मम्मी क्या कह रही है, देखो अभी बाबू खा रही, देखो बाबू खा रही केक, भाई साहब सोफे में चढ़ के बैठ गए। अब नहीं खाना, मेरे बेटू का हैप्पी बर्थडे हो गया, मेरे बेटू का हैप्पी है आज। ठीक लो। तो
तो गाइस टफी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, टफी ने केक खा लिया है, अभी भी वो टेक केक की आस लगाए। रोहित ने केक फ्रिज में रख दिया है तो फ्रिज ताके हो। अभी भी जो है वो फ्रिज के चक्कर में कि फ्रिज खुले मैं केक खाऊं। रोहित ने फ्रिज में रख दिया। क्या रखा है इसमें? अब इसको केक खाना है। मैं कहता हूँ आ जा बेटा सो जा, पहले सो रहा था तो उठ नहीं रहा था, अब केक खा लिया है तो अब जो है उसको केक चाहिए, सोने नहीं जा रहा। मैं कहता चलो बेटा सोने चलें, अब सोने नहीं जा रहा, उसको केक चाहिए। इसको ज़्यादा दे नहीं सकते, ज़्यादा खाएगा तो बाल झड़ेंगे। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, अब फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।